I am Ragbir Singh. Today my topic is resources from chapter number 2, coal and petroleum of class A science. तो हम बात करते हैं रिसोर्स की. व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स बसाइज क्या होता है? एनी मटेरियल विच इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इज कॉल्ड रिसोर्स. यानी जो भी चीज हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसे रिसोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, एयर, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, कोयल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ईटीसी. तो रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेन मैड रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? द मटेरियल्स आर रिसोर्सेज विच ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर. यानी जो वसायल हम कुदरत से हासिल करते हैं उनको नेचर रिसोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट है, एयर है, वाटर है, कोयल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस वगैरह, ईटीसी. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो सेकेंड वन इज मेन मैड रिसोर्सेज. दोज रिसोर्सेज आर मटीरियल विच मेड बाई मेन्स आर कॉल्ड मेन मैड रिसोर्सेज. यानी जो मटीरियल आदमी के जरिए बनाए जाते हैं उनको मेन मैड रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, नायलॉन, ईटीसी. तो अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू और क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. नंबर वन इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो सेकंड वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब बात करते हैं व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. दोज रिसोर्सेज विच आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी फिनिश्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. यानी ऐसे वसाइल, ऐसे रिसोर्सेज जो कुदरत के अंदर अनलिमिटेड, यानी न खत्म होने वाली मकदार में पाए जाते हैं और इंसान के अमली कामों की वजह से ये खत्म नहीं होते हैं, तो ऐसे वसाइल्स को, नेचर रिसोर्स को इनएग्जॉस्टिबल नेचर रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सनलाइट एंड एयर, ईटीसी. यानी ये चीजें नहीं खत्म होने वाली हैं. तो अब बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचर रिसोर्सेज की. व्हाट आर एग्जॉस्टिबल नेचर रिसोर्सेज? दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर एंड कैन बी फिनिश्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. यानी ऐसे वसा, ऐसे नेचर रिसोर्सेज जो इंसान के कामों की वजह से, उसके इस्तेमाल की वजह से खत्म होते हैं, तो उनको कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस वगैरह वगैरह. तो ये आज का मेरा टॉपिक रिसोर्स के बारे में था. तो ब्रीफली मैंने इसको डिस्क्राइब किया कम वक्त में. तो मेरा एक मैसेज है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए कि ये इसको घर पे बैठ के बच्चे इसको दोहराएं और
अपने के अपने लिए एक फेयर कापी बनाए और पेरेंट्स से एक गुजारिश किया कि वो बच्चों की निगरानी घर में करें। बाकी बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।